शुरू करने से पहले हम ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया फॉरेन ट्रिप के लिए। और जब इस बिजनेस को शुरू किया तो इस बिजनेस पर विश्वास किया, और विश्वास किसको कहते हैं, इसका नतीजा आज हम आपके सामने खड़े हैं कि आज से 7 साल पहले इस बिजनेस को जब शुरू किया था तो सबसे पीछे बैठे थे, अपनी वैगनार से आए हैं, और आज 7 साल में 80 लाख की मर्सिडीज बाहर खड़ी है। इसको कहते हैं विश्वास। और अगर इसी विश्वास को करकर हम ये पा सकते हैं तो आप भी पा सकते हैं, यहाँ बैठा हर इंसान पा सकता है। जरूरत है विश्वास करने की। और धन्यवाद देती हूँ अपने ग्रेट अपलाइन को जिन्होंने हमें इस बिजनेस के बारे में बताया, राजेश सर, मनीषा मैम, रवि सर, रोशी मैम, सुरेखा मैम, जिनके मार्गदर्शन में चलकर हमने इस सफलता को पाया है। तो आप भी अपने अपलाइन को फॉलो करकर इस सफलता को पा सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। देखिए जरा किसे कितना है जम के रखना कदम मेरे साथियों। आजादी चैंपियंस बाय मोदी केयर इन पटना। दोस्तों आजादी, अभी आप इतनी देर से सारे चैंपियंस को देख रहे थे, लेकिन दोस्तों ये आजादी है क्या? क्या है ये आजादी? क्या इसका मतलब है? आप पिछले 4 घंटे से बार बार सुन रहे हैं, कितने हजारों बार आपकी नजरें इस आजादी वर्ड पे गई होगी, लेकिन ये आजादी वर्ड आपके जीवन में क्या मायने रखता है ये डिपेंड करता है। जी हाँ, इसको हम रिलेट करते हैं सेना के जवानों से। हमारे एक रिलेटिव हैं जो 15 दिन पहले उनसे मेरी बात हो रही थी, वो बोलते हैं कि मामा जानते हैं हमारे घर में क्या होता है, जूठा माना जाता है। इसका जूठे बर्तन में नहीं खाएंगे, ये वाली थाली जूठी है इसमें नहीं खाएंगे, ये बिस्तर गंदा है इसमें नहीं सोएंगे। हमारे यहाँ जवानों को एक मग मिलता है, एक ही मग मिलता है, उसी से कॉफी बना के पीते हैं, बर्फ गर्म करके पानी पीना पड़ता है वो भी उसी मग में पीते हैं, शेविंग भी उसी मग से करते हैं, नहाते भी उसी मग से हैं, और सुबह जाते भी उसी मग से हैं। ताली बजाने की तो ही है दोस्तों, लोगों को आजादी तो चाहिए। अभी उत्तम सर बोल रहे थे आजादी चाहिए, सबने कहा यस चाहिए, लेकिन मेरे शर्तों पे चाहिए। पानी बाहर नहीं बरसेगा तब हम आजादी के लिए लड़ेंगे, लोग प्रोडक्ट थोड़ा और ऑफर में आएगा तब हम लड़ेंगे, थोड़ा कंडीशन फेवरेबल होगा तब हम आजादी के लिए काम करेंगे। दोस्तों आपके शर्तों पर आजादी नहीं मिलेगी, आपको आजादी के लिए जो जैसा है, जितने प्रोडक्ट्स हैं, जैसा प्लान है, जितनी इनकम है, जिस टेरिटरी में हो, जैसे मौसम में हो, उस मौसम में उस कंडीशन में लड़ना होगा तब आपको आजादी मिलेगी। आज तक जहां तक बात है तो हमारे साथ समीर मोदी है, एक ऐसा शख्स जो हमारी और आपकी कभी नुकसान नहीं होने देगा, पक्की बात है। लेकिन क्या ये बिलीव है? अपने अंतर आत्मा से ये बात निकलनी चाहिए। जब आप अंतर आत्मा से लड़ने के लिए उस सिपाही की तरह तैयार हो जाओगे, आजादी मिल जाएगी। दोस्तों हम और आप सोचते हैं कि सरहद में बैठा हुआ वो जो लड़ाई करने वाला वो दुश्मनों से लड़ रहा है, क्यों? इसलिए क्योंकि उसके सामने दुश्मन है और वो उससे नफरत करता है। नो, वो उस सरहद पे इसलिए दुश्मनों से लड़ रहा है, गोली खा रहा, मर रहा है, क्योंकि घर में बैठे पत्नी बच्चों से प्यार करता है। उस सरहद पे बैठा है। हम आप अपने घरों में हैं, क्या हम अपने पत्नी और बच्चों से इतना प्यार करते हैं? ये कंडीशन भूल करके लग जाए जुनून के साथ कि यस मुझे चाहिए। अगर ये जज्बा आपके अंदर आएगा तब रियल सेंस में आपके आजादी की ओर कदम बढ़ने शुरू होंगे। फेवरेबल कंडीशंस में जंग नहीं जीते जाते दोस्त, योद्धा वो हैं जो विपरीत परिस्थितियों में चप्पू चला करके और जीत का परचम लहरा के आते हैं और